मात्रार्थम् इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन् अंतःकरणाभासादीनां अवभासकः सन् तदवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परम कैवल्यम् आनंद एकरसम् अखिल भेद प्रतिभास रहितम् अखंडम ब्रह्म अवतिष्ठते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादिश्रुतेः किं बहुना अयम् देहयात्रा मात्रार्थम् इच्छानिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुखदुःखलक्षणानि आरब्धफलानि अनुभवन् अन्तःकरणाभासादीनामवभासकः सन् तदवसाने प्रत्यगानन्द परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परम कैवल्यमानंदैकरसमखिल भेद प्रतिभास रहितमखंडं ब्रह्मावतिष्ठते नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यत इत्यादि श्रुतेः जीवन मुक्ति के विवरण निरूपण के पश्चात अंत में तो आचार्य स्वामी सदानंद जी विदेह मुक्ति का निरूपण करते हैं। क्या बोलते हैं? अयम जीवन मुक्त अखंडम ब्रह्मावतिष्ठते।
तो विदेह मुक्ति की अवस्था में वो अखंड ब्रह्म में अवस्थान कर जाता है। बोले महाराज, जीवन मुक्त का भी यही लक्षण बताया था आपने, ब्रह्मनिष्ठ कह तो जीवन मुक्त नाम, जीवन मुक्त किसको कहते हैं, तो आपने ब्रह्मनिष्ठ ये शब्द बोला था। अयम तो ब्रह्मनिष्ठ क्या बोलते हैं, अर्थ जीवन मुक्तो नाम ब्रह्मनिष्ठ। तो जीवन मुक्त को भी आपने ब्रह्मनिष्ठ ही बताया था और विदेह मुक्त के लिए भी आप कहते हैं तो अखंड ब्रह्मावतिष्ठते। भेद क्या हुआ दोनों में, तो विदेह मुक्ति का भेद बताते हैं, अखिल भेद प्रतिभास रहितम, अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंडम ब्रह्म अवतिष्ठते। तो किसी भी प्रकार के द्वैत के भास से रहित, यहां पर बाद नहीं है, यहां पर प्रतीति भी नहीं है, आभास मात्र भी नहीं है। जीवन मुक्ति में बाधितत्वात्, जीवन मुक्ति में प्रपंच का आभास है, द्वैत का आभास है, तो कार्य करणात्मक प्रपंच का नानात्व का आभास है, लेकिन तो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति के द्वारा उसका बाध हो गया है, जीवत्व का आभास है लेकिन बाधित आभास है। तो द्वैत का भी आभास है, बाधित आभास है, क्रिया कर्म भोग का भी आभास है, बाधित आभास है, सुख दुख आदि का भी आभास है, बाधित आभास है। आभास का विरोध नहीं है बल्कि सत्याभास का विरोध है। आभास में सत्यत्व की बुद्धि निवृत्त हो गई है ज्ञान के द्वारा, अधिष्ठान ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, यह स्थिति जीवन मुक्त की है। उसकी सारी वृत्ति सारा व्यवहार बाधित वृत्ति से होता है, लेकिन व्यवहार होता हुआ दिखाई देता है। अब विदेह मुक्ति की स्थिति क्या बताई, अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंडम ब्रह्मावतिष्ठते। तो निखिल भेद का प्रतिभास मात्र भी नहीं है, ऐसे अखंड अपरिच्छिन्न अपनी ब्रह्मता में, आत्मा की ब्रह्मता में तो विदेह मुक्त का अवस्थान होता है, स्वरूपावस्थिति है। और वह स्वरूपावस्थिति ऐसी है जिसमें द्वैत का न केवल बाध है बल्कि भास मात्र भी नहीं है, भासमानता भी नहीं है। कैसे हुआ ये, किम बहुना, बोले अब इसके बारे में अब ज्यादा आपको क्या बताएं, किम बहुना मैं अब आपको और ज्यादा क्या बताया जाए, जीवन मुक्त के बारे में और विस्तार करने से क्या कहना, क्या करना है। आप समझो कि अब वो विदेह मुक्ति की ओर बढ़ गया। कैसे, तो ये पंक्ति जीवन मुक्त के लिए है, क्या लिखते हैं, देह यात्रा मात्रार्थम, देह की एक निश्चित यात्रा है जन्म से लेकर के मरण तक, और वो उस यात्रा का मुख्य प्रायोजक
तो प्रारब्ध ही होता है। तो पहले तो प्रारब्ध था तो फिर बना शरीर, प्रारब्ध पहले है फिर शरीर है, तो पूरी देह यात्रा का जो प्रायोजक है वो प्रारब्ध ही है। लेकिन उस प्रारब्ध के प्रकटन की तीन विधियां हैं। प्रारब्ध अपने आप को प्रकट करता है तीन रीति से, तीन तरीके से। कैसे? तो बोले इच्छा प्रारब्ध बन जाता है, अनिच्छा प्रारब्ध बन जाता है और परेच्छा प्रारब्ध बन जाता है। है ये आपका ही प्रारब्ध, स्वयं के कर्मों के द्वारा अर्जित है, कोई दूसरे के कर्म का परिणाम भुगतना नहीं है, है तो हमारे स्वयं के कर्म का ही परिपाक। लेकिन उसकी प्रकटन में तो ये विभाग हो जाता है। इच्छा प्रारब्ध क्या है? तो कोई कोई इच्छा हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होती है प्रारब्ध वशात, उसको इच्छा प्रारब्ध बोलते हैं। देखो, इच्छा जो है वो प्रारब्ध वशात भी उत्पन्न होती है, भी हाँ, ही नहीं। इच्छा तो पूर्व पूर्व के भोगे हुए संस्कार के कारण भी उत्पन्न होते हैं। आपको बोल चुका हूं सुबह कि संस्कार में और प्रारब्ध में प्रारब्ध बिना भोगे क्षय नहीं होता, संस्कार को भोग करके क्षय करने की ना आवश्यकता है ना तरीका है। संस्कार को भोगने से कई बार वो बढ़ जाता है। न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति। भूय एवाभिवर्धते। देखो तो इच्छा का जनक कभी तो संस्कार होता है, ज्यादातर तो संस्कार ही होता है। इच्छा की अपनी एक प्रकृति है, वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है उसका भी एक अपना विज्ञान है। देखो, एक तो अज्ञात की इच्छा कभी नहीं होती। जिस चीज का आपको कोई ज्ञान नहीं है उस विषय का आपको, उस विषय की कभी इच्छा नहीं हो सकती। इसलिए पहले तो विज्ञापन के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा या किसी भी रीति से उस विषय के सुखद होने का हमको ज्ञान कराया जाता है, है ना? फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, द सेकेंड स्टेप इज इंटरेस्ट, थर्ड स्टेप इज डिजायर, फोर्थ स्टेप इज इवेल्युएशन, एंड फिफ्थ इज ट्रायल, एंड सिक्स्थ इज एडॉप्शन। थियरी ऑफ एडॉप्शन में ये बात लिखी गई कि कोई व्यक्ति किसी चीज को कैसे एडॉप्ट करता है। तो पहली चीज है अवेयरनेस, है ना? विज्ञापन के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा बोल करके हमको उसका ज्ञान कराया जाता है। वो ज्ञान कराते समय ये भी ज्ञान कराया जाता है कि ये सुखद है, कि अगर आपने पेप्सी पी लिया तो बस आप मुक्त ही हो गए समझो आप।
पेप्सी पिया नहीं कि छत से ऊपर कूद जाते हैं लोग, महाराज बहती धारा में पुल पर से कूद करके एक बोतल पेप्सी निकाल के लाते हैं। वाह, पता नहीं क्या क्या उधमबाजी करते हैं, ऐसा वहां दिखाते हैं टीवी पर, यहां पेप्सी बिकती है, कोई कूदते हुए मुझे आज तक दिखा नहीं। ये सब दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए। तो ऐसे तो लेकिन वो तो विज्ञापन का काम ही वही है कि पहले आपको अवेयर किया जाए और फिर उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, सेकंड स्टेप। जब इंटरेस्ट हो जाएगा तब डिजायर, डिजायर इंटरेस्ट में अंतर है ना, तब आप चाहोगे, चाहोगे चाहोगे तो एडॉप्ट नहीं कर लोगे। चाहने के बाद इवेल्युएशन होगा कि मेरी जेब अलाउ करती है कि नहीं, ले, 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 चाहता तो हूँ लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी पॉकेट डजंट अलाउ। तो ये इवेल्युएशन है, मूल्यांकन स्वयं का कि मैं ऐसी चीज को ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। और मूल्यांकन अगर ठीक निकला तो कोई आदमी पूरा एडॉप्ट करता नहीं है, ट्रायल करता है कि चल के देखते हैं सांदीपनी में कैसा लगता है, एक आध महीने के लिए देखेंगे, 10 दिन के लिए भी देखते हैं कैसा लगता है, लेट अस ट्राई। अमीर से अमीर आदमी कोई चीज को एकदम एडॉप्ट करता नहीं, या तो थोड़ी सी चीज लेगा या दूसरे के घर में जाकर देखेगा कि ठीक चल रही है मशीन की नहीं, तब जा करके फिर आदमी, अगर वो ट्रायल भी ठीक निकला तब एडॉप्शन। ये साइंस ऑफ बिजनेस की बातें हैं, 15 चीजें पढ़ते रहते हैं ना हम लोग, तो इसलिए उसमें से कुछ कुछ निकलता रहता है। ये गीता में ऐसा ही लिखा है लेकिन प्रयोजन अलग है, इसलिए बिजनेस वाले थोड़ा दूसरी तरफ चले गए, गीता दूसरी तरफ चली गई। ध्यायतो विषयान पुंसा संगः, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। संगात संजायते काम डिजायर, अब इसके बाद उन्होंने एडॉप्शन तक पहुंचा दिया और हमारे गीता ने विनाश तक पहुंचा दिया। कामात क्रोधो भी जाए थे, क्रोधात भवति सम्मोह इत्यादि विनश्यति। लेकिन बिजनेस वाले कहते हैं नहीं, एडॉप्तति। हाँ भाई, संस्कृत बनाया जाए उसका भी। तो एनीवे, कहना यह था कि इच्छा का अपना एक विज्ञान होता है, तो ज्यादातर इच्छाएं तो होती हैं संस्कार वशात, है ना। किसी भी विषय का ज्ञान शोभन बुद्धि पूर्वक होगा तो उसके प्राप्ति की इच्छा अवश्य होगी, और किसी भी विषय का ज्ञान अशोभन बुद्धि पूर्वक होगा तो उससे दूर रहने की इच्छा भी अवश्य होगी। अशोभन बुद्धि अगर उसमें लग गई कि ये भयानक है ना, सर्प का ज्ञान हुआ, लेकिन उस ज्ञान के साथ ये भी ज्ञान मिला रहता है कि जरा बच के रहना है, तो अब जहां सर्प दिखा महाराज वहां बस सजग, दूर दूर दूर। इसको बोलते हैं इच्छा का विज्ञान। दो तरह की इच्छा होती है, दूर हटने की या पास लाने की, बस। लेकिन इन्हीं इच्छाओं में से, अब हर जगह नाम मत लेने ना आप, लेकिन कहीं कहीं इन्हीं इच्छाओं में से एक इच्छा होती है जिसको प्रारब्ध प्रेरित बोलते हैं, वो संस्कार प्रेरित नहीं है, प्रारब्ध प्रेरित है। प्रारब्ध ऐसा स्टेयरिंग घुमाता है
कि आदमी के मन में वो तीव्र इच्छा जगती है और वो वहां पहुंच ही जाता है, बस वो काम कर ही देता है, जैसी हो भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आपना आवे ताही पह ताही तहां ले जाए। ऐसी इच्छा होगी कि आप स्वयं वहां जाओगे, इसको क्या बोलते हैं, इच्छा प्रारब्ध। प्रारब्ध जन्य अंतःकरण में उदित होने वाली इच्छा, उस इच्छा से होने वाला व्यवहार, उस इच्छा के परिणाम स्वरूप मिलने वाला भोग, वो भोग चाहे सुखद भी हो सकता है और दुखद भी हो सकता है। वो इच्छा ले गई तुमको वहां, हो सकता है तो सुख मिले और हो सकता है तो दुख भी मिले। तो एक तो ये है इच्छा प्रारब्ध। अब इसका विवाह करना ये अत्यंत कठिन है कि संस्कार जन्य इच्छा से हम वहां गए या प्रारब्ध जन्य इच्छा से गए। एक बात पक्की है कि प्रारब्ध जन्य इच्छा से, जब प्रारब्ध जन्य जो इच्छा होगी वो तो महाराज आपको वहां पहुंचा ही देगी, आपकी उस इच्छा को छोड़ने में कोई स्वतंत्रता होती नहीं है। मैं इसको देखो, ये कैसा विभाग है बढ़िया, इच्छा प्रारब्ध। अब दूसरा है अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध विचित्र है, तो इच्छा किसी के मन में नहीं आई और घटना घट गई, भोग मिल गया, सुख या दुख जो भी, राह चलते फिसल गए। बरसात में आप लोग दौड़ना नहीं, जनरली टेंडेंसी होती है कि जहां बूंदे गिरी वहां थोड़ा स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाई तो फिसल गए। भगवान की दया से अभी तक किसी को फ्रैक्चर हुआ नहीं है, और अगले कैंप के लिए पहले से ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप तो जानते हो हर बरसात में एक दो सगुन हो जाता है। तो यहां ऐसा होता है, सब सीमेंटेड है ना, तो कम से कम आप लोग सावधान रखा करो। मैं तो अभी जवान हूं, गाना मत गाओ। अभी तो मैं जवान हूं, तो ऐसा करके पिट जाओगे एक दिन। पता चला कि एक स्पीकर कमरे में लगाना पड़ा। ये झंझट मत पालो, श्रवण करो साक्षात, है ना, ये सेकेंड हैंड श्रवण से ज्यादा काम होता नहीं है। स्पीकर मुखात श्रोतव्य नहीं, गुरु मुख से सुनिए। तो एनीवे, तो ये जैसे अनिच्छा प्रारब्ध है, अब वो कुछ सोचा नहीं था, इच्छा थोड़ो करी थी, गिर गए, कोई सोचा नहीं था, कोई मिल गया, उसके निमित्त से हमारे जीवन में शुभ फल प्रकट हो गया, कोई भली चीज घट गई, लाभ हो गया। देखो ये तो किसी की इच्छा नहीं थी, हमारे मन में भी इच्छा नहीं थी, कल्पना भी नहीं थी। लोग कहते हैं ना, कोई कल्पना नहीं थी हो गया। अरे हो गया माने कोई अकस्मात नहीं होता, ये निश्चित जान लो। There cannot be any effect without a cause. ये संभव नहीं है। जब आप बोलते हो कि हमने सोचा नहीं था हो गया, हमने चाहा नहीं था हो गया, दूर दूर तक कोई कल्पना नहीं थी हो गया, तो हो गया माने अकारण ये मत कभी सोचना। हुआ तो प्रारब्ध से ही, लेकिन वो कौन सा प्रारब्ध है, अनिच्छा प्रारब्ध। एक होता है इच्छा से घटित होने वाली चीज, हमको लगता है मैंने सोचा, मैंने कल्पना की, मैंने मेहनत करी और फिर हुआ,
अब हो सकता है वो प्रारब्ध से पहले ही निश्चित हो चुका हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके इस समय के पुरुषार्थ का परिणाम है, जरूरी नहीं है। इसका स्वाद लेना चाहिए, पता करना चाहिए, थोड़ा अपने जीवन में विश्लेषण करके कि ये जो घटना घटी इसको किस प्रारब्ध में डालूं मैं। अब देखो, इच्छा प्रारब्ध में इच्छा होती है, कम मेहनत करने पर भी सफलता मिल जाती है। बहुत बार ऐसा जीवन में होता है, साधारण मेहनत करने पर भी, साधारण सी योजना बनाने पर भी काम हो जाता है, और कई बार इतना संघर्ष होता है, जूझना पड़ता है, बहुत योजना बनानी पड़ती, फिर आदमी फेल होता है, फिर भी, और सफलता भी मिली तो उतनी मात्रा में नहीं मिलती है। देखो तो अब दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा। हमें एक अग्रवाल जी मिले गाजियाबाद में, मैंने बताया है शायद, तो वो महाराज बहुत अच्छे बिजनेसमैन, उनको ये भ्रम हो गया कि मैं जिस चीज को छू दूंगा वो सोना हो जाएगा, पक्का भ्रम हो गया। बढ़िया, अब जब इच्छा प्रारब्ध पूरा हो गया, पीरियड दूसरा आया, उसको बोलते हैं लीन पीरियड, लोग बोलते हैं, तो सोना तो क्या लोहा भी नहीं होता था उनके छूने से, वो हर जगह फेल होने लगे महाराज। तो मुझे बता रहे थे कि फिर मुझे विश्लेषण करना पड़ा कि पहले वाला ही मैं हूं, मेरी काबिलियत भी वही है, मेरे मित्र भी वही हैं, मेरा इन्फ्लुएंस भी वही है, ये अभी क्या हो गया मुझको। ये सब होने के बावजूद अगर मैं फेल होता हूं तो पहले जो मैं पास हो रहा था वो भी मेरे कर्म का परिणाम था या तो बोले जब ऐसा ही होना है तो जबरदस्ती क्यों हम शीर्षासन में खड़े रहे। वो भगत हो गए महाराज, अच्छे साधक हैं इस समय, वो ऐसा नहीं कि कंगाल हो गए, नो नो, इज अ गुड बिजनेसमैन, लेकिन अप्रोच बदल गई, जीवन बदल गया। कैसे हुआ ये? वो सफलता जो मिल रही थी उसमें बहुत कुछ इच्छा प्रारब्ध रहा होगा, उनको लगता होगा कि मैंने इच्छा की, मैंने योजना बनाई, मैंने छुआ और हो गया, छुआ और हो गया। और एक होता है तो अनिच्छा प्रारब्ध, इच्छा भी नहीं की आपने, योजना भी नहीं बनाई आपने, और तो होता है कुछ, महात्मा लोग इसको आकाशी वृत्ति बोलते हैं। अब वो तो एक व्रत हो गया, आकाश वृत्ति जो है वो एक व्रत हो गया, केवल अनिच्छा प्रारब्ध को स्वीकार करना। अब ये हमारे वश में है कि नहीं है, ये एक डिबेटेबल बात है, एक चर्चा का विषय होगा, वाद का विषय बनेगा, क्योंकि प्रारब्ध जब तीन तरह का है ही है तो उसमें केवल अनिच्छा प्रारब्ध कैसे हो सकता है, ठीक है कि नहीं? जब इच्छा प्रारब्ध भी एक होता है, अनिच्छा प्रारब्ध भी एक होता है, तो केवल एक को स्वीकार करना, दूसरे को स्वीकार नहीं करना, ये हमारे वश की बात है, मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है तीसरा? परिच्छा प्रारब्ध, माने इच्छा तो है ही है, मेरी नहीं है लेकिन किसी और की है। यहां इच्छा राहित्य नहीं है, इच्छा है मेरी नहीं है, बस इतना ही फर्क है। परस से इच्छा, हमारा प्रारब्ध, ध्यान रखना, प्रारब्ध मेरा है लेकिन उसके प्रकटन की तीन विधियां हैं। कभी वह मेरी इच्छा के जरिए प्रकट होता है, कभी दूसरे की इच्छा के जरिए प्रकट होता है, और कभी न मेरी इच्छा न दूसरे की इच्छा फिर भी प्रकट होता है। अब दूसरे की इच्छा है कि नहीं भाई,
आपका सम्मान किया जाए। आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं, हो सकता है इस इच्छा के बीच विरोध में आप खड़े हों, लेकिन परेच्छा प्रारब्ध है, एक प्रारब्ध है जो दूसरे के मन में इच्छा बन के आवेगा और आपको फल देगा। अब क्या करोगे? गुरुदेव की यहां पाद पूजा होती थी तो एक सज्जन ने कहा कि स्वामी जी आप क्यों ही पूजा करवाते हो अपनी, भाई हर तरह के लोग होते हैं ना। तो बोले कि अब क्या मैं बताऊं आपको, तुम मत करो कम से कम। तो पता चला कि उन्होंने भी धीरे से अपना नाम दे दिया एक दिन पाद पूजा के लिए। अब हम लोग तो चूंकि शास्त्र पढ़ते रहते हैं तो लगा कि देखो इसको वही प्रकट हो गया, अब ये जाएगा किधर बच्चा। पूजा का प्रारब्ध बना स्वामी जी का, लेकिन पूजा अपने आप थोड़ा होगी अपनी होगी। अच्छा अपमान का प्रारब्ध है मान लो, तो अपने आप होगा अपमान भाई। अपमान कोई करे तब तो मुझे अपमान मिले, मैं अपना अपमान कैसे करूं बताओ। तो वो परीक्षा प्रारब्ध है बिल्कुल, आप पक्का जान लो प्रारब्ध मेरा ही है, मैंने ही वो कमाया है। लेकिन किसी महापुरुष के हृदय में अपमान की इच्छा जगेगी, शुद्ध अंतःकरण में उसके अपमान की इच्छा जगेगी कि ये स्वामी का अपमान करो, और वो करेगा। अब अगर तो मूर्खता है तो ये समझ में आएगा कि देखो ये अपमान कर रहा है, और अगर थोड़ी समझ है तो ये होगा कि ये परीक्षा प्रारब्ध प्रकट हो रहा है, छह हो जाने दो बस शांति करो। बोले महाराज उसने अपमान किया तो आपका प्रारब्ध तो छह हो गया, उसका क्या बना? तो उसके लिए आप तत्वबोध में जा सकते हो। तत्वबोध में जो आगामी कर्म था उसका बंटवारा किया गया ना, तो वो दोनों हिस्से हो जाते हैं। जो लोग अपमान आदि करते हैं उधर एक कर्म चला जाता है, और जो लोग मान आदि देते हैं उनको दूसरा कर्म चला जाता है। पढ़ा है ना, तो बस वो समझ लेना आप। लेकिन आपको जो मिलता है वो आपका अपना ही प्रारब्ध है। तो देख लो ये महाराज अंत में स्वामी जी ने प्रारब्ध के भी तीनों हिस्सों का नाम ले लिया, इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानी। प्रारब्ध की इन तीनों विधियों से प्राप्त होने वाला क्या है? प्राप्त होने वाला भाई, बोले प्राप्त तो बहुत चीजें होती हैं, उसको हम क्या गिना सकते हैं, लेकिन उन सारी प्राप्तियों का अंतिम फल है या तो सुख होगा या दुख होगा। इसलिए सुख दुख लक्षणानी, बस प्राप्त तो माला भी हो सकती है और एक दुष्ट वाक्य भी हो सकता है। कितना गिनाया जाए, दिन भर में सैकड़ों प्राप्तियां होती हैं, लेकिन सारी प्राप्तियों का अंतिम परिणाम तो अंतःकरण में प्रकट होता है, सुख के रूप में या दुख के रूप में। सुख दुख लक्षणानी आरब्ध फलानी, बस ये है क्या? बोले आरब्ध फल है, आरब्ध फल माने प्रारब्ध फल है ये। क्या करता है जीवन मुक्त? अनुभवन्न, ये शत्रु प्रत्यय लग गया। अनुभवन्न माने अनुभव करते हुए जीता है। सुख दुख लक्षणात्मक अनुभवों को प्राप्त करते हुए जीता है। ये आए कहां से दोनों अनुभव? बोले प्रापितानी आरब्ध फलानी। ये आरब्ध कितने प्रकार के हैं? बोले इच्छा परेच्छा अनिच्छा, त्रिविध स्रोत से प्राप्त होता है। अच्छा, वेरी गुड।
अंतकरण आभासादीनाम, ये क्या है भाई? तो बोले अंतकरण के द्वारा आभासित होता है पूरा प्रपंच, परिस्थिति, परिस्थिति में से उत्पन्न होने वाले सुख दुख, ये सब के सब अंतकरणाभास हैं। माने अंतकरणों में, अंतकरण में प्रतिभासित होते हैं। क्या कहना चाहते हैं, पृष्ठभूमि बना ली उन्होंने कि अब अगर अंतकरण नहीं हो तो सारे प्रतिभासों का मूल ही निर्मूल हो गया। बोले तो अंतकरण आभासादि नाम अवभासक सन्न, जीवन मुक्त की स्थिति कैसी है? अंतकरण में प्रतिभासित होने वाले इन विविध प्रपंचों का वो क्या है? अवभासक सन्न, दृष्टा रहता है, बस अवभासक बना रहता है, भोक्ता नहीं बनता। अवभासक सन्न दृष्टा बना रहता है। फिर तद अवसाने, तद अवसाने माने अंतकरण अवसाने, तो जीवन मुक्ति में अब देह यात्रा पूरी हुई तो अंतकरण का अवसान होना है। तो बोले महाराज, महाराज मुझे एक बात बताओ। बोलो भाई क्या बताना है, क्या कहा जाए? सब बताने के बाद एक बात रह गई, क्या रह गई? कि राक्षस कौन था, है ना? यही बताया था ना, राक्षस कौन था? राम या रावण? तो वो तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। इनका प्रश्न ये है कि प्रारब्ध तो शरीर का होता है तो अंतःकरण क्यों बना रहा? मन में आया ये प्रश्न कभी? प्रारब्ध तो होता है शरीर का, तो ज्ञान होते ही अंतःकरण को नष्ट हो जाना चाहिए। जब वो जैसे अज्ञान नष्ट हो गया वैसे अंतकरण भी नष्ट हो जाना चाहिए, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाना चाहिए। सूक्ष्म शरीर का प्रारब्ध तो हाँ, ऐसा निर्भय होके बोलो, संकोच क्या, डरते डरते बोलते हैं कहीं गलत ना हो जाए। तो गलत ना हो जाए इसका मतलब सोचा हुआ नहीं है। अरे भाई सूक्ष्म शरीर तो प्रारब्ध से पैदा ही नहीं हुआ, वो तो अनादि है। तो सूक्ष्म शरीर तो प्रारब्ध का परिणाम है नहीं, वो तो अज्ञान का ही परिणाम बताया आपने। तो अज्ञान नष्ट हुआ तो सूक्ष्म शरीर को नष्ट हो जाना चाहिए, बात खत्म करो। प्रारब्ध जन्य तो स्थूल शरीर है। तो अगर आप ये भी कहते हो कि स्थूल शरीर प्रारब्ध वशात अपनी यात्रा को पूरी करता है, तो फिर सूक्ष्म शरीर और अंतकरण के बिना पूरी करे ना, तो मरने के बाद अंतकरण शांत होगा, ये लॉजिक समझ में नहीं आया। शरीर मर जाए तो अंतकरण भी हाँ मर जाए। तो अगर शरीर के मरने से अंतकरण के मरने का संबंध होता है तो शरीर तो पता नहीं कितनी बार मर चुका, तो अंतकरण को भी मरी जाना चाहिए था। तो एक तरफ तो आप कहते हो कि शरीर के मरने से अंतकरण के मरने का कोई संबंध नहीं है, दूसरी तरफ आज आपने ये कह दिया विदेह मुक्ति के लिए क्या, कि शरीर नष्ट हो तो अंतकरण भी नष्ट हो जाएगा, तो
प्रपंच आभास रहित अखंड ब्रह्म में अवस्थित हो जाएगी, अवस्थिति हो जाएगी। ये क्या मतलब हुआ? वाह भाई संजय चोपड़ा कमाल है। नहीं ये तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, क्योंकि देख नहीं रहा था। तो ऐसी पोजीशन में बैठे हैं कि एक दूसरे का पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जैसे होता है ना, कभी कभी एक ही सीध में आ जाते हैं तीनों। ओम नारायण, इसका क्या अर्थ बताओगे भाई? अरे वेदांतियों, बोल सकता हूँ वेदांती आप लोगों को, अभी बच्चे हैं, अभी छोटे, क्या बोलते हैं बच्चे कच्चे लोग, अभी तो बहुत मेहनत करनी है। तो बात यह है कि आपने जो प्रश्न किया कि देह नाश के बाद अंतःकरण नष्ट होगा, तो अंतःकरण तो अज्ञान कार्य होने से पहले ही नष्ट हो जाना चाहिए था, मान लिया। लेकिन मुझे बताओ कि बिना अंतःकरण के देह अपनी प्रारब्ध यात्रा पूरी कर सकता है? तो वो समस्या है कि देह के प्रारब्ध को पूरा करने के लिए कर्मन की गति न्यारी बड़ी समस्या है। अंतःकरण चाहिए, वो बाधित हो जाएगा ज्ञान से। लेकिन अगर आप यह मानते हो कि देह प्रारब्ध पर्यंत जीवित रहेगा, क्योंकि साक्षात रूप से वो अज्ञान का कार्य नहीं है, परंपरायात तो अज्ञान का ही कार्य है, लेकिन साक्षात वो कर्म का कार्य है। सत्कर्म जन्यम बोला ना, साक्षात कारण देह का कौन है? कर्म है, परिपक्व कर्म है। तो कर्म नाश से तो उसका नाश होगा। तो कर्म नाश से अगर उसको नष्ट होना है, तो तत्पर्यंत जब तक वो उसका प्रारब्ध क्षय नहीं होता, तब तक उस देह में सूक्ष्म शरीर को भी रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना सूक्ष्म शरीर के तो देह मर जाता है। देह के मरने का और तरीका क्या है? सूक्ष्म शरीर का इस देह के साथ वियोग। तो अगर सूक्ष्म शरीर अज्ञान के मिटते ही, अज्ञान के मिटते ही अगर सूक्ष्म शरीर मिट जाएगा, तो देह भी मिट जाएगा, तो प्रारब्ध क्षय कहां होगा? फिर हो नहीं सकता। पकड़ में आया? इसलिए देह प्रारब्ध पर्यंत बाधित वृत्ति से ही सही सूक्ष्म शरीर को भी रहना पड़ेगा। अंतःकरण आदि को भी रहना पड़ेगा बाधित वृत्ति से। हाँ अच्छा, अब जब देह प्रारब्ध पूरा हो गया, तो सूक्ष्म शरीर का तो अपना कोई प्रयोजन पहले ही नहीं है। तो क्या हुआ? बोले तद अवसाने प्रत्यक आनंद पर ब्रह्मणी प्राणे लीने सती। प्राणे मने यह जो मिथ्या जीव था, वो प्रत्यक ब्रह्मात्मा में प्रत्यक